नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। बिना राशन कार्ड के इस तरह लोग मुफ्त में ले सकेंगे 5 किलो गेहूँ और चावल। जी हाँ, मोदी सरकार ने इस बीमारी को देखते हुए एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पार्ट 2 के इस तरह योजना का ऐलान किया गया। ऐसे में जिन लोगों के पास राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप राशन कार्ड भी बनवाना चाह रहे हैं तो आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य के नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर या फिर ऑनलाइन तरीके से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। रामविलास पासवान के मुताबिक अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे अपना आधार ले जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद उन्हें एक स्लिप दिया जाएगा। उस स्लिप को दिखाने के बाद उन्हें मुफ्त अनाज मिलेगा, जिसके लिए राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। राज्य सरकारें गरीब मजदूरों को मुफ्त राशन का लाभ सुनिश्चित कराएं। केरल में इस बीमारी के लिए सुरक्षा नियमों का अब करना होगा 1 साल तक पालन। जी हाँ, केरल सरकार ने कहा कि इस बीमारी के लिए सुरक्षा नियमों का अगले 1 साल तक पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक और सामाजिक डिस्टेंसिंग में मास्क या फेस कवर पहनना उन नियमों में से एक है जो कि अनिवार्य होंगे। सरकार ने कहा कि कार्यस्थलों पर मास्क पहनने पड़ेंगे और हर जगह 6 फीट की सामाजिक दूरी लागू होगी। शादियों में केवल 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। लागू किए गए नियमों के अनुसार अधिकारियों से लिखित अनुमति के बिना किसी भी तरह की सामाजिक सभाओं, जुलूस, धरना, मंडली या प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इस तरह के समारोहों में प्रतिभागी 10 लोगों से अधिक नहीं होंगे। दुकानों और अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एक समय में अनुमत अधिकतम लोगों या फिर ग्राहकों को 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कमरे के आकार के आधार पर 20 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। इस राज्य में लगेंगे 30 लाख स्मार्ट बिजली मीटर, मोबाइल फोन की तरह कर सकेंगे रिचार्ज। जी हाँ, हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि वर्ष 2024 तक राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के घरों और अन्य प्रतिष्ठानों में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। चौटाला ने कहा कि इन स्मार्ट बिजली मीटरों की निगरानी उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन से भी की जा सकती है। इन मीटरों को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्रकार की किस्मों से जोड़ा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज किया जा सकता है। चौटाला ने कहा कि पहले चरण में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है, जिनमें से 1.5 लाख मीटर को गुड़गांव में पहले ही लगाया जा चुका है। इसी तरह दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में राज्य में लगभग 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार हरियाणा को 780 करोड़ रुपए की सहायता देगी। महाराष्ट्र में शिवसेना को झटका, 5 पार्षदों ने पार्टी छोड़ा, थामा एनसीपी का दामन। जी हां, महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन महाविकास अघाड़ी की सरकार है, लेकिन राज्य में जिला स्तर पर कई जगहों पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो पा रहा है, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। ताजा सस्पेंस इस बात से पैदा हुए कि अहमदनगर के पारनेर नगर पंचायत में गठबंधन से पहले शिवसेना एनसीपी ने मिलकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब अगले चुनाव से पहले शिवसेना के 5 सांसदों ने एनसीपी का दामन थाम लिया है। अहमदनगर के परनेर नगर पंचायत से शिवसेना के 5 सांसद शनिवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की उपस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में शामिल हो गए। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, जारी रहेगी बिजली पानी पर सब्सिडी। जी हां, दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि फ्री दी जाने वाली 200 यूनिट बिजली की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक लॉकडाउन से जिस तरह सरकार की आमदनी कम हुई है उसी तरह से आम जनता पर भी बोझ पड़ा है। यही कारण है कि बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी पर होने वाले खर्च की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी। इसी प्रकार पानी बिल पर भी मिलने वाली छूट बरकरार रहेगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा कि पानी के बोतलों पर अगले 3 महीने तक रियायत देने का फैसला करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दी जाने वाली यह रियायत
30 सितंबर 2020 तक लागू रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने इस विषय पर एक आधिकारिक आदेश पारित किया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक सरकार को मिलने वाले रेवेन्यू में भारी कमी आई है, बावजूद इसके राजधानी में पानी बिजली पर सब्सिडी जारी रखी जाएगी। बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलती रहेगी। जिन योजनाओं को दिल्ली सरकार मंजूरी दे चुकी है उन्हें भी चालू रखा जाएगा। 15 साल की गलतियों के लिए तेजस्वी ने फिर मांगी माफी, 2035 में दिल्ली विजय रखा लक्ष्य। जी हां, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल के दौरान हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। इससे पहले 2 जुलाई को एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने पहली बार आरजेडी के 15 साल के शासनकाल के दौरान हुई गलतियों के लिए माफी मांगी थी। रविवार को पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने स्वीकार किया है कि उन 15 सालों में तेजस्वी तो था भी सरकार में नहीं, लेकिन फिर भी हमसे अगर कोई भूल हुई होगी तो हमें माफ़ कीजिएगा। जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है वही झुकता है। जनता ने हम लोगों को सजा भी दी और 15 सालों तक विपक्ष में बैठाए रखा। तेजस्वी ने कहा कि जिस दिन हमारी पार्टी के लोग थोड़ा धैर्य दिखाएंगे, मतभेदों को मिटाएंगे, व्यक्तिगत हित को छोड़कर जिस दिन पार्टी हित में खड़े हो जाएंगे, हम दावा करते हैं कि 2035 में हम दिल्ली में झंडा फहरा देंगे। एक बार आरजेडी के ईमानदार सिपाही एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो कोई माई का लाल हम लोगों को हरा नहीं सकता है। इस्तीफे की बढ़ती मांग के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का संकेत, कहा पार्टी में जल्द हो सकता है विभाजन। जी हां, अपने इस्तीफे के लिए लगातार बढ़ती मांग के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी गहरे मुसीबत का सामना कर रही है और संकेत दिए कि पार्टी में जल्द ही विभाजन हो सकता है। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है। माई रिपब्लिका अखबार ने एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा कि ओली ने अपने आधिकारिक आवास पर बैठक बुलाई, जिसमें मंत्रिमंडल की एक आपात बैठक में मंत्रियों को बताया गया कि हमारी पार्टी के कुछ सदस्य राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को भी पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मुझे प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसा होने नहीं देंगे। ओली ने कहा कि सत्ताधारी दल गंभीर मुसीबत का सामना कर रहा है। टिकटॉक ने किया ड्रैगन से किनारा, कहा चीनियों के लिए नहीं है हमारा प्रोडक्ट। जी हां, भारत सरकार द्वारा टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के बाद कंपनी ने अपनी सफाई जारी की है। टिकटॉक ने चीन की सरकार से दूरी बनाते हुए भारत सरकार से कहा कि हम जिनपिंग सरकार के साथ किसी भी तरह का डेटा शेयर नहीं करते हैं। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने भारत सरकार को 28 जून को पत्र लिखकर कहा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि चीन की सरकार ने कभी भी यूजर डेटा की मांग नहीं की है। अगर वहां की सरकार भारतीयों का डेटा मांगती भी तो भी नहीं दिया जाएगा। पत्र में मेयर ने लिखा कि चीनी कंपनी बाइट डांस के स्वामित्व वाला टिकटॉक मूल देश के लोगों के लिए उपलब्ध ही नहीं है। कंपनी का मुख्य टारगेट ग्लोबल ऑडियंस है, इसीलिए उसे कभी भी चीन में लॉन्च नहीं किया गया। नितिन गडकरी ने कहा सीमावर्ती इलाकों में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चल रहा है तेजी से काम। जी हां, सरकार के मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्रों में यातायात के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित बड़ी संख्या में राजमार्ग परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये काम BRO और NHIDCL दोनों के द्वारा किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 17 रणनीतिक राजमार्ग सह हवाई पट्टियों पर भी काम चल रहा है, जिनमें से 3 पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ को सभी मौसम में जोड़े रखने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजनाओं पर भी काम जोरों पर है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ तथा दक्षिणी गुजरात क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। इन भागों में कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सौराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
भारी बारिश भी कहीं कहीं हो सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, रायलसीमा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक दो स्थानों पर बारिश के आसार हैं। आज का माइंड कुछ क्वेश्चन आ चुका है, किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।